मुझे लगता है मेरे पैर का एक अंगूठा टूट गया है, और अब ये इतना ज़्यादा रिमोट एरिया है कि यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं होंगे, और पंजाब में 7 बजे से कर्फ्यू भी लागू हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, घर जाऊँ, घर जाने में भी 3 घंटे लगेंगे, और पहले इसको ट्रीट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले इसका एक्सरे वगैरह करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। ये इस तरफ को टिल्ट है ना, ये इस तरफ को टिल्ट है, ये वाले पैर का अंगूठा, ये मुझे लगता है टूट गया। शुरू से शुरू करते हैं। तो वैसे तो ये कहानी एक ऐसी जगह कैंपिंग की होती जहाँ रास्तों में ठंडा पानी बहता है, हरी वादियाँ, घना जंगल, पर अब ये कहानी है मेरी लाइफ के सेकंड फ्रैक्चर की। बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे आओ और आपको आते ही पहली नज़र में प्यार हो जाए, ये उन जगह में से एक है। देखो हम लोग पहुंच तो गए हैं, पर मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि कितना मुश्किल रास्ता था। मतलब मैं आप लोगों को लिटरली नहीं बता सकता कि ये एक वो वाली फीलिंग थी जब आपको मतलब किसी हाई पास पे जाना पड़ता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाना पड़ता है, जैसे कि लद्दाख टाइप्स जैसी जगह पे जाना पड़ता है, बिकॉज बीच में रास्ता था, रास्ते में बाइक फंस भी गई थी क्योंकि मिट्टी थी, सारा पानी ऊपर से पानी बारिश वाला आ रहा है। ओ भाई साहब, कहाँ जाना है? ओ भाई, इतने बड़े उस पे ले आया तो स्लोप पे, गिरेंगे, कहाँ जाना? जूते हो गए गीले? और उतरना पड़ेगा। मैं नहीं उतरूंगा भाई, मेरे भी गीले हो जाएंगे। अब तू ले चल, पानी फस गया दलदल में भाई, सच्ची दलदल है। उतरो भैया, प्लीज मत उतार, पूरी रेस दे दे। ओ भाई साहब, ध्यान से चला दे, चट्टे फट्टे और ये जगह इतनी की ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है कि यहाँ के गांव वालों को भी नहीं पता है कि ये जगह का नाम क्या है। एग्जॉस्ट हो चुके हैं एकदम से, क्योंकि मैं वहाँ से पैदल जाया हूँ जहाँ से आप लोगों ने देखा था, जो आपने वीडियो में देखा, जहाँ से पानी बह रहा था, यही होना रह गया था। नदी के बीच में पैर रख के चलना पड़ रहा है, ये सारी वाटर फ्लो आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। हरजोत अकेला बाइक पे आया, तो यहाँ पे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे, उन्होंने बोला कि हम छोड़ के आते हैं, वो अपने आप ही आगे के चलो भैया हम आपको छोड़ के आते हैं, तो वो हम मतलब उनकी मदद से यहाँ पे आए हैं, सो थैंक यू सो मच। सो अभी का स्टेटस ये है कि ये जगह है, यहाँ पे शेड है, यहाँ बेंच लगे हैं, वहाँ हमारा टेंट लगा है, और मतलब हम इसलिए गर्मी फेस से आपको इसलिए लग रहा होगा कि हमें गर्मी आई हुई है, बिकॉज हम लोग अभी थोड़ा सा ट्रैक करके आए हैं ऊपर से, यहाँ पे सिग्नल नहीं आते। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ सिग्नल नहीं आते, तो आपको अगर कोई भी फ़ोन वगैरह करना है तो आपको थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज ये थोड़ा डाउन हिल पर जगह आ जाती है। शांति का नशा अलग ही है बाबू भैया। भाई हाथ लाल हो गया मेरा, भूगा भूगा भूगा। हम लोग इससे नींबू से बैट और ये कैच कैच खेल रहे हैं। ये नींबू है, ये वहां पे पेड़ पे फ्रेश लगा हुआ था, उससे कैच कैच खेल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये कहानी मेरे कैंपिंग की नहीं है, ये कहानी है मेरे लाइफ के सेकंड फ्रैक्चर की, और अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। अभी आप लोगों ने देखा मैं और हरजोत खेल रहे थे बॉल से, और वैसे ही हम लोग फिर भागने लगे, और वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, और मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। मुझे लगता है मेरे पैर का एक अंगूठा टूट गया है।